हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम, हमारा सब्जेक्ट है SST और उसमें हमारा लेसन नंबर 2। ठीक है, लास्ट तक हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज और लैंड रिसोर्सेज। तो चलो अब देखते हैं वाटर रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट एग्जिस्ट्स नेचुरली इन एनवायरमेंट। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमें डायरेक्टली एनवायरमेंट से मिल जाते हैं। तो उसमें पहला है हमारा वाटर रिसोर्सेज। द वाटर रिसोर्सेज ऑफ द इंडिया इंक्लूड द रिवर, लेक्स एंड सीज एक्सेट्रा। द रिवर ऑफ द इंडिया डिवाइडेड इन टू द बेसिस ऑफ इन ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 रिवर ऑफ द नॉर्थन एंड नंबर 2 रिवर ऑफ द साउथन। ठीक है, तो इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज में हमें देखने को मिलता है कि उसमें नदियाँ आती है, तालाब से आते हैं और बड़े बड़े जो समुद्र हैं वो भी आते हैं। और जनरली रिवर है वो कहाँ से जो आती है, ठीक है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उससे हमने रिवर के 2 पार्ट किए हैं, उत्तरी जो रिवर है वो और दक्षिणी जो रिवर है वो। अब देखते हैं पहला उत्तरी रिवर्स, ठीक है, जिसको हम नॉर्थन रिवर्स कहते हैं। तो सिंधु, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर द रिवर्स ऑफ द नॉर्थन इंडिया। दे आर द पेरेनियल इन नेचर। द गंगा इज ऑल्सो नो एज द भागीरथी। देयर इज अ ट्रेंगुलर फर्टाइल प्लेन नियर द डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर द मेजर वाटरवे ऑफ द इंडिया एंड यूज फॉर नेविगेशन पर्पोज। Beside these, the Jhelum, Chenab, Satluj, Ravi and Bias also flow in the north. Every year, the devastating floods in the Kosi River in the state of the Bihar destroy the lives and the property of the that area. ठीक है, हमें यहाँ पे रिवर्स देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पे गंगा रिवर देखने को मिलती होगी, ठीक है, इस तरह से कुछ आती है। यहाँ से हमें जो ब्रह्मपुत्र रिवर्स है, ठीक है, वो आती हुई देखेंगी। और इस साइड हम बात करें तो यहाँ पे सिंधु रिवर है, ठीक है, उसके साथ 5 रिवर जुड़ी हुई है। जैसे कि हम बात करें तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ठीक है, तो ये जो रिवर से एक कनेक्टेड हुई है। तो यानी कि ये जो रिवर है सिंधु रिवर, वो नॉर्थ इंडिया में अपर की साइड अपना पानी है, ठीक है, फ्लो है वो गिराती है। और जबकि वेस्ट साइड बात करें, ईस्ट साइड हम, ठीक है, ईस्ट साइड तो हमारी जो गंगा रिवर है और ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, वो अपना यहाँ पे ट्रेंगुलर फर्टाइल प्लेन बनाती है, ठीक है, ऐसा मैदान बनाती है जो इंडिया में बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे नीचे कोशी रिवर देखती हुई मिलेगी, ठीक है, जो यहाँ पे बिहार में आ रही है। तो हर साल इस बिहार में इस रिवर की वजह से क्या होगा कि काफ़ी सारी डैमेजें होती है, क्योंकि इस रिवर में हर साल पूर आता है, ठीक है, फ्लूड्स आता है। अब देखते हैं रिवर्स ऑफ साउथ, ठीक है, तो साउथ यानी कि दक्षिण की रिवर्स कौन सी है। द रिवर्स लाइक अ तापी, नर्मदा एंड महानदी फ्लोस डाउन द माउंटेन्स इन द सेंट्रल इंडिया। द नर्मदा एंड तापी फ्लोस टूवर्ड द वेस्ट एंड द मर्ज इन द अरेबियन सी विद वाइल द गोदावरी एंड कृष्णा कावेरी तुंगभद्रा फ्लोस द ईस्टर्न वार्ड एंड द मर्ज द बे ऑफ बंगाल। दिस रिवर फ्लोस थ्रू द अनइवन सरफेस ऑफ द यंग ग्राउंड लाइक द हाई एंड स्लोपी रीजन एंड देयरफॉर फ्रॉम वाटरफॉल्स। दैट इज वाई दिस रिवर आर नॉट यूज एज अ वाटरवे, दे आर यूज फॉर इरीगेशन पर्पोज एंड प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है कि नर्मदा और तापी रिवर है, ठीक है, वो अपना पानी है वो अरेबियन ओशन यानी कि जो गुजरात है उसके उसके साइड डालती है। बाकी की जो रिवर्स है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, वो अपना पानी है वो वेस्ट साइड यानी कि समुद्र में वहीं से वो मिलती है। हाँ, जो ये रिवर्स है वो बहुत ही छोटी है और उसका पानी का फ्लो है वो बहुत ही कम, इसलिए हम वहाँ पे अपने जो नाव से वो नहीं चला सकते, ठीक है, लेकिन इस रिवर्स का यूज़ हम अपने खेती काम के लिए और हाइड्रो जो इलेक्ट्रिसिटी है पानी से बिजली बनती है ना, उसके लिए कर सकते हैं। अब बच्चे, हम देखते हैं कि यहाँ पे रिवर्स और उसके उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं और उससे कौन से स्टेट को बेनिफिट होता है ना, उसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि नर्मदा रिवर है, हम सब पिकनिक में वहाँ पर गए थे, ठीक है, तो नर्मदा प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो उससे हमारे जो 4 स्टेट है ना उसका बेनिफिट होता है, जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है और जो मध्य प्रदेश है, उन चारों जो स्टेट है ना उसको नर्मदा रिवर जो प्रोजेक्ट बना हुआ है ना उससे बेनिफिट मिलता है। ये प्रोजेक्ट कैसे बनता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मान लो कि आपकी रिवर्स है, ठीक है, उसके ऊपर हम कोई बंद बांधते हैं, ठीक है, एक इस तरह से, ताकि इसका पानी यहाँ से
हम ले सके और वापस इसका पानी आगे भी जाने दे। तो ये जो हम बंद बांधते हैं ना, उससे हमारी जो इरिगेशन की प्रोसेस है, प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब कुछ हो सकता है। इस तरह से तुंगभद्रा है, कोसी है, महानंदा है, सतलुज है, उसके ऊपर तुंगभद्रा के ऊपर तुंगभद्रा, कोसी के ऊपर कोसी, महानंदा है वहां पे हीराकुंड है, सतलुज के ऊपर भाखरा नागल प्रोजेक्ट है, ठीक है, और इतने सारे उसको स्टेट है, उसको बेनिफिट होता है। अब हम देखते हैं कि कुछ लेक के बारे में, इंडिया के जो फेमस लेक्स हैं, ठीक है, ठीके? जैसे कि जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे जो दाल और वुलर सरोवर है, ठीक है, वो आया हुआ है, जो फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, अच्छा ताज़ा पानी मिलता है। आंध्र प्रदेश है तो वहाँ पे कोलेरू नाम का लेक आया हुआ है, फ्रेश वाटर के लिए अभी भी जाना जाता है, यहाँ पे फ्रेश मतलब कि स्वीट वाटर के लिए, ठीक है, मीठा पानी मिलता है। अब बात करें तो तमिलनाडु है, ठीक है, वहाँ पे हमें पुलिकट लेक देखने को मिलता है, वो सोल्टी वाटर यानी कि वहाँ पे हमें जो खाला पानी है वो मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ओडिशा, तो वहाँ पे चिल्का लेक है, वहाँ पे सोल्ट वाटर मिलता है। राजस्थान में सांभर है, वहाँ पर भी सोल्ट वाटर है। गुजरात में नल सरोवर है, ठीक है, वहाँ पे कुछ कुछ पानी है वहाँ पे सोल्ट मिलता है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ही पानी हमें नमक वाला मिलता है। अब देखते हैं आर्टिफिशियली जो लेक्स है, ठीक है, यानी कि हमने मैन मेड बनाए हुए हैं वो है, तो वो हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर है, वहाँ पे हमने गोविंद सागर सरोवर बनाया हुआ है, लेक बनाया हुआ है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बनाया हुआ है, तेलंगाना में निजाम सागर है, गुजरात में सरदार सरोवर है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर है, तो इतने सारे हमने आर्टिफिशियली भी बनाए हुए हैं। अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ द नर्मदा प्रोजेक्ट, ठीक है, नर्मदा प्रोजेक्ट है, उसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो ये गुजरात का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है, मल्टीपर्पोज प्रोजेक्ट था, इसकी जो कैपेसिटी है और उसकी जो कैनाल्स है ना वो इतनी बड़ी थी, ठीक है, लगभग दुनिया की सबसे बड़ी उसकी जो कैनाल है वो है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैनाल नेटवर्क इज अप्रोप्रिएटली 66,000 किलोमीटर, ठीक है, तो उसकी जो नेटवर्क है, उसकी जो कैनाल है, उसकी लंबाई 66,000 से भी ज़्यादा है। 8,215 विलेज एंड 135 सिटीज ऑफ द गुजरात आर प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे वॉलर लिखा है, वाटर आएगा थ्रू द नर्मदा प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इतने गांव और इतने शहर को नर्मदा जो प्रोजेक्ट है उससे पानी मिलता है। करीबन 14 डिस्ट्रिक्ट और 75 तालुकाज एंड 3,360 विलेजेस ऑफ गुजरात आर गेटिंग इरीगेशन फैसिलिटीज थ्रू द नर्मदा प्रोजेक्ट, ठीक है, इन लोगों को इतना पानी है वो खेती काम के लिए भी मिलता है। अब हम दूसरे रिसोर्सेज है उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। नंबर टू रिसोर्सेज में मिनरल रिसोर्सेज, बायोटिक एंड द बायोटिक मटेरियल बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आर ट्रांसफॉर्म इनटू द मिनरल हैविंग द डिफरेंट केमिकली कंपोनेंट्स ड्यू टू द इंटेंस हीट एंड प्रेशर। दिस इज द ट्रेजर ट्रोवल ऑफ मिनरल इज फॉर्म इन द कर्व ऑफ द अर्थ कोर ऑफ द अर्थ थ्रू द नेचुरल प्रोसेस लास्टिंग फॉर थाउजेंड ऑफ द ईयर। मिनरल्स बिलो द अर्थ आर नॉट फाउंड इन द देयर प्योर फॉर्म, देयर आर मेनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ड्यू टू देयर विच दे आर कॉल्ड ऑरेस, एग्जाम्पल आयरन ऑरेस। ओनली आफ्टर द रिफाइनिंग ऑफ द ओरी वी गेट द मिनरल इन देयर प्योर फॉर्म। दीज मिनरल्स फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक माइटी एंड पर्पोज प्रॉस्पेरिटीज ऑफ द कंट्री। अब क्या मिनरल्स की बात करें, हम मिनरल्स है वो दो टाइप्स के मिलते हैं, ठीक है, एक तो है बायोटिक और दूसरा है नॉन बायोटिक, जिसको हम जैविक और अजैविक में डिवाइड कर सकते हैं। जैविक कौन से होते हैं कि जो भी ह्यूमन से वो डेड बॉडीज है, एनिमल्स डेड बॉडीज है, जो प्लांट्स का कचरा है, ठीक है, वो जमीन के अंदर लाखों साल से दबा हुआ है और उससे केमिकल्स क्रिएट होते हैं ना, वो हमारा जैविक है। और अजैविक क्या है, जैसे कि हम बात करें कि जिसको हम वन टाइम ही गेट कर सकते हैं और वन टाइम ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दूसरी टाइम हमें मिलेगा नहीं, जैसे कि आयरन की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम है, ऐसे, ठीक है, तो वो हमारे लिए अजैविक है। और ये जो सारे तत्व से थे, ठीक है, जो भी हमें ये खनिज तेल मिलता है ना, वो लाखों साल से ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, उसकी प्रोसेस हो रही है, उसके ऊपर फिर हमें जाके मिलता है, इसीलिए वो हमारे लिए बहुत ही रेयर है, और इसके लिए इसी से हमारी जो देश की इकोनॉमी है ना वो आगे बढ़ती है। हाँ, ये बात अलग है कि वो हमें डायरेक्ट प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, जैसे कि पेट्रोल डीजल है वो हमें डायरेक्ट पहले नहीं मिलता है, जमीन के अंदर से हमें हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है ओर, ठीक है, ओर से क्या होगा कि हमें ओर को पहले रिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें से पेट्रोल डीजल, ठीक है, गैस, ये सब कुछ हमें वन बाय वन अलग करना पड़ेगा, फिर जाके ये सब कुछ हमें मिलेगा। अब देखते हैं मिनरल्स के जो थ्री डिवीजन है, थ्री टाइप्स है, वो कौन से हैं। पहला है मेटालिक्स,
ठीक है, जिसमें आयरन कॉपर यानी कि जो मेटल्स है वो, दूसरा है नॉन मेटालिक्स ठीक है, जैसे कि लाइमस्टोन है, चिग्नाइट क्ले है, डोलोमाइट्स है, और तीसरा है पावर जनरेटिंग मिनरल, मतलब कि जो हमें गर्मी पैदा करती है, कोल है, नेचुरल गैस है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कौन से मिनरल्स है और कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है थीके? तो आप ये वन बाय वन पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कि कॉपर की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, सिक्किम है, मेघालय है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्टेट है उसमें हमें कॉपर देखने को मिलता है। उसी तरह से थोरियम है, वो 2 स्टेट में, राजस्थान झारखंड में देखने को मिलता है। ओके बच्चों, तो ये वन बाय वन आपको पढ़ के याद रखना है। अब देखें तो यूज ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल्स के यूज़ कौन से हैं, तो जो मैगनीज है ठीक है, उसका यूज़ हमें केमिकल इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। पेस्टिसाइड से जो ग्लास है, वर्नीस और प्रिंटिंग्स का है ठीक है, उन इंडस्ट्रियों में यूज़ होता है। ओके बच्चों, तो मैगनीज है उसका यूज़ इतनी चीज़ों में होता है। कॉपर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल जो वायर है ठीक है, वायर्स हम देखते हैं ना घर पे, उसमें बनाने में ठीक है, मटेरियल बनाने में, कलर जो ग्लासेस होते हैं ना वो बनाने में, कॉइन्स और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी चाहिए। अब बॉक्साइट की बात करें तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है ठीक है, कलर देने के लिए जो एरोप्लेन है उसमें भी होता है, और प्योरिफिकेशन ऑफ केरोसिन ठीक है उसके लिए भी यूज़ होता है। मिका की बात करें तो मिका भी एक मेटल की तरह है, जो रेडियो, टेलीफोन, एयरप्लेन है ठीक है, और गामोफोन है उसमें भी यूज़ होता है। फ्लोर स्पार की बात करें तो फ्लोर स्पार क्या है, तो वो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज होती है ना ठीक है, उसमें भी यूज़ होता है, क्योंकि और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और एनी थिंग्स दैट थिंग्स फ्रॉम द चीनाई क्लेस ठीक है, चीनाई क्लेस से बनने वाली हर चीज़ में भी फ्लोरस पार हमें देखने को मिलता है। अब हम थर्ड रिसोर्सिस की बात करें, लास्ट रिसोर्सिस ठीक है, लैंड रिसोर्सिस, लार्ज एरिया कवर्ड चीफली विथ न्यूमरस ट्रीज एंड अंडरग्रोथ इज कॉल्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर एंड इनविजिबल सोर्सेज ऑफ द वेल्थ फॉर अ नेशन। देर आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट। देर आर 5,000 टाइप्स ऑफ द ट्रीज इन इंडिया। इंडिया रैंक 10th इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैरायटी ऑफ द वेजिटेशन सिंस द एंशियंट टाइम। द इंडिया इज अ रिनाउड फॉर मेडिकली हर्ब्स। There is the mention of almost 2,000 varieties of the herbs and trees in Ayurveda. अब इंडिया की बात करें तो जमीन के ऊपर जो भी चीज़ें ग्रो होती है ना वो ही हमारे देश की सच्ची संपत्ति है ठीक है, उसी को हम कहते हैं जंगल ठीक है। तो इंडिया में लगभग 5,000 से भी ज़्यादा जंगल देखने को मिलते हैं, और लगभग 2,000 से भी ज़्यादा उसमें वेराइटीज़ हैं, और इंडिया का जो नंबर है ना वो 10th नंबर दिया गया है ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कि 10th नंबर का वेराइटेशन है ठीक है, यानी कि 2,000 से ज़्यादा वेराइटी होने की वजह से इंडिया का 10th रैंकिंग है, और आयुर्वेदा में भी इंडिया का अभी भी नाम अच्छी तरह से गिना जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट माउंटेन्स रीजियन एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑफ द इंडिया। Evergreen are the so named as there is no particular season for their trees of the shade and their leaves. Therefore, these forests remain green throughout the year. These trees are usually 30 to 35 meters in the height. Bamboo, teak, sal, mahogany and sisam are main tree of those forests. अब हम बात करने वाले हैं evergreen forest की। evergreen forest का मतलब कि हर महीने वो ग्रीन ही रहता है ठीक है, उसके उसके लिए जो पानखर ऋतु है ना वो कभी नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि ये एवरग्रीन ट्री है। अब बात करें तो वो नॉर्थन साइड में और अंडमान निकोबार आइलैंड में देखने को मिलते हैं ठीक है, वो 30 से 35 फीट लंबे होते हैं। बैम्बू है, टीक है, साग, साल, सीसम है, ये सब वो उसके नेम है ठीक है, उस जंगल में इतने सारे ट्रीज होते हैं। अब बात करें तो डेसीडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द विंध्या हिमाचल ठीक है, विंध्याचल माउंटेन रेंज, द सापुतारा हिल्स, द फुटलीज ऑफ द हिमालयाज एंड द फुटलीज ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट ऑफ द इंडिया ठीक है। डेसीडियस फॉरेस्ट की बात करने वाले हैं ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो एक बार उसमें पानखर ऋतु आती है, और जनरली हमें विंध्याचल है ठीक है, उस माउंटेन में सापुतारा है फॉरेस्ट है, वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर द टीक, साल, महुडा, बनियान एंड पीपल ठीक है, और वहाँ पे ऑटोमेंस जो सीजन है वो भी आती है, और उसके इतने सारे जो ट्रीज है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। द टीडल और द मैनग्रीव फॉरेस्ट आर द मोस्ट लग्जरियस अराउंड द डेल्टा एरिया ऑफ द लार्ज रिवर एंड द सेल्टर बेस वेयर द एनुअली रेन फॉरेस्ट इज वेरी हाई। द इंडिया टीडल
और मैनग्रीव फॉरेस्ट आर द मेनली सिचुएटेड ऑन द गंगटीक डेल्टा एंड इन द कोस्टल प्लेन ऑफ द वेस्ट बंगाल कॉल्ड सुंदरबन. मैनग्रीव सुंदरी पाम्स केवरा चेयर ग्रो इन दिस फॉरेस्ट. अब क्या है कि हम बात करने वाले हैं टिडल और मैनग्रीव फॉरेस्ट की, ठीक है. वो लग्जरियस जंगल कहा जाता है क्योंकि ये जो ट्रीज है ना वो बहुत ही मुश्किल से पाए जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही कम पाए जाते हैं. तो गंगाटिक जो डेल्टा है, मैंने बताया था कि तीन जो रिवर है गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ से मिलती है, ठीक है, सुंदरबन नाम का डेल्टा क्रिएट करती है नदियों के पार्ट में, हमने पहले पार्ट में देखा हुआ था, तो उसी पार्ट में ये जंगल हमें देखने को मिलता है, ठीक है. तो हाँ, हम बात करने वाले हैं तो मैंग्रीव जो ट्री है ना उसमें सुंदरबन नाम की जगह पे ये होते हैं. साथ साथ बात करें तो सुंदरी है, पाम है, केवरा है, चेर है, ये चार ट्रीज है ना वो मैंग्रीव ट्री से, और गुजरात में भी चेर नाम के जो वृक्ष है ना वो मैंग्रीव ट्रीज का ही एक पार्ट है. ओके, जनरली ठंडी के प्रदेश में यह ज्यादा देखने को मिलता है. द थॉर्नी फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थन वेस्ट पंजाब वेस्ट हरियाणा राजस्थान एंड द साउथर्न इन द वेस्टर्न एरिया ऑफ द उत्तर प्रदेश. ट्रीज लाइक स्पुर्ज एंड एसेसिया यानी कि कैक्टस एंड द कैपर आर फाउंड इन दिस एरिया, ठीक है. अब थॉर्नी फॉरेस्ट की बात करें यानी कि सूखे जंगल कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे पानी कम हो गया, ठीक है. तो पानी कहाँ कम होता है, राजस्थान में होता है, तो राजस्थान में हमें ऐसे कैक्टस है, थॉर्नी है, ठीक है, वहां पे हमें देखने को मिलेगा. आगे देखते हैं बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की. तो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए जिसको हम कैरी करेंगे. जैसे कि बात करें तो बोट्स एंड द स्टीमर्स आर मेड फ्रॉम द वुड्स ऑफ द सुंदरी ऑफ द सुंदरबंस फॉरेस्ट, ठीक है. सुंदरी है और जो सुंदरबन से जंगल से जो ट्रीज आए हुए ना उससे हमारी बोट्स बन सकती है. बास्केट्स है, मैट्स है, टॉयज है, ठीक है, फर्नीचर है, ये सब हम बैम्बू ट्री से बनाते हैं. तो ब्रूम से, ठीक है, यानी कि झाड़ू है, वो हम पाल्म्स और डेड लीव्स है, ठीक है, उसके जो पत्ते होते हैं ना ट्रीज के, ठीक है, कैक्टस ट्रीज है उससे हम बनाते हैं. पेपर प्लम्स, ठीक है, यानी कि जो कागड़ का मावा होता है ना वो हम डियोदर जो ट्रीज है, ठीक है, और टर्पेंटाइन है वो हम जो चीट ट्री है ना उससे बनाते हैं. टी बॉक्सेस, ठीक है, जो चाय पत्ती के बॉक्सेस आते हैं, माचिस बॉक्स आता है ना, वो सब हम लगभग डियोदर ट्रीज और चीट ट्री से ही बनाते हैं, ठीक है. अब बात करें तो सीलिंग फैक्स, ठीक है, फॉर यूजिंग मेकिंग वार्निश, ठीक है, तो वार्निश नाम के ट्री से बनता है, ठीक है. इंक है जो प्रिंटिंग के लिए यूज होती है, और मटेरियल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड ग्रामोफोन, तो ये सब हम चीज उससे ही पाते हैं. अब हमें देखना है कि हम कंजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, हमें ट्रियो को किस तरह से बचा के रख सकते हैं. देखो, हम कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है उसको कंसिडर करके ट्री को अच्छी तरह से बचा सकते हैं. कटिंग डाउन द ट्रीज इज फॉरबिडन, सेवरल पनिशमेंट विल बी गिवन दोज हु कट द ट्रीज, ठीक है. तो हमें याद रखना चाहिए कि कटिंग करने का जो प्रोसेस है ना वो ही इलीगल बना देना चाहिए, यानी कि कोई भी ट्री को काटेगा ना तो वो इलीगल हो जाएगा और उसके लिए उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी. ऐसा कर सकते हैं. ट्री शुड बी ग्रोवन ऑन द वाटर लेन एंड द पीपल शुड बी मोटिवेटेड टू वार द एफोर्डेशन. तो ट्रीज है जहाँ पे वाटर लैंड से, ठीक है, जहाँ पे वेस्ट लैंड है, ठीक है, जहाँ पे कोई रहता नहीं ना, हमें वहाँ पे भी ट्री ग्रो करने चाहिए ताकि हम वहाँ पे लोग हैं उसको रहने के लिए बुला सकते हैं. सोर्सेज ऑफ द एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, बायोगैस एंड एनर्जी ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी बी यूज मोर, ठीक है. तो ऐसे सोर्सेज जैसे कि जो सोलर एनर्जी है, बायोगैस है, वाइन एनर्जी है, ठीक है, जो वापस हमें मिल सकती है ना उसका यूज हमें ज्यादा करना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम ट्रियों को कम से कम काट सकें. पीपल शुड बी अलर्ट एंड मेड अवेयर अबाउट द अफॉरेस्टेशन एंड नेसेसरी हेल्प शुड बी प्रोवाइड. तो लोगों को, जो लोगों की सोच है ना जो फॉरेस्ट कट करने की, जंगलों को खत्म करने की, वो धीरे धीरे हमें कम करनी चाहिए और उसको एजुकेटेड करना चाहिए, ठीक है. आगे देखते हैं हम. मोर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुड बी एस्टेब्लिश टू डेवलप द फॉरेस्ट साइंटिफिकली. अब क्या है कि हमें जंगलों के लिए अच्छे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो हमें क्रिएट करने चाहिए. साथ साथ हमें उसके लिए साइंटिस्ट है, ठीक है, वो भी हमें उसके बारे में भी हमें पढ़ाना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से हम ट्रीज है ज़्यादा से ज़्यादा जो वैज्ञानिक तरीके तौर तरीके से ग्रो कर सकते हैं और इसी तरह से हम एनवायरमेंट है उसका अच्छी तरह से संभाल के रखेंगे. अब देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क में, ठीक है. तो प्रोजेक्ट वर्क बच्चों आपके लिए, तो आप प्रोजेक्ट वर्क अच्छी तरह से कर लेना. अब देखते हैं नेक्स्ट में
वाइल्ड लाइफ रिसोर्सिस, तो वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगल का जीवन है वो किस तरह का होता है उसमें देखते हैं। तो उसमें मैं कुछ डिफरेंट बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में डेटा दिया गया है, तो हम पहले वहीं से पढ़ते हैं कि एलिफेंट्स फाउंड इन द कर्नाटका, केरला और आसाम, ठीक है। तो एलिफेंट्स वहाँ इन तीन स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। और लार्ज मैमल ऑफ द इंडिया है, ठीक है, एलिफेंट है वो इंडिया का सबसे बड़ा मैमल है, ठीक है, लैंड में। और वो किसके लिए यूज़ होता है, तो वो बड़े बड़े जो लकड़ियाँ होती है ना उसको कैरी करने में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उठाने के लिए, ठीक है, और वन जगह से दूसरी जगह जंगलों में जाने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। अब देखते हैं वन हॉर्न राइनो फाउंड इन द इंडिया इज एन यूनिक एनिमल, ठीक है। दे आर फाउंड इन द मार्शी एरिया ऑफ द आसाम एंड द वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो मतलब कि एक सिंगी गेंडा जिसको कहा जाता है वो एक यूनिक एनिमल है जो सिर्फ आसाम और वेस्ट बंगाल में ही पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं वाइल्ड आस यानी कि जंगली गद्दा, ये रहा, फाउंड इन द रन ऑफ कच्छ एंड द कैमल इन द डेजर्ट एरिया, ठीक है। तो वो कहाँ पे जब पाया जाता है, तो जंगली गद्दा है ना वो कच्छ के रन में पाया जाता है, और साथ बात करें तो कैमल है जिसको हम डेजर्ट का शिप भी कहते हैं, वो भी वहीं पे पाया जाता है, ठीक है। लायन और टाइगर की बात करें तो वो सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन तो सिर्फ गिर फॉरेस्ट गुजरात में ही पाए जाते हैं। हम सबको बताएं कि एशियाटिक लायन हमें गिरनार के जो फॉरेस्ट है ना वहीं पे देखने को मिलते हैं। टाइगर ऑफ द वेस्ट बंगाल है जिसको हम रॉयल बंगाल टाइगर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द 8 स्पेशीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो टाइगर की जो मुख्य 8 जातियां है ना उसमें से एक जो जाति है वो है हमारी रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। जो बंगाल के टाइगर है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, उत्तराखंड है, ठीक है, वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, और कभी कभार तो हिमालय में भी देखने को मिलती है। तो टिबेटियन बियर से, ठीक है, वो सिर्फ हिमालय रीजन में और डेडियापाड़ा फॉरेस्ट में ही और गुजरात में पाए जाते हैं, तो दो जगह पे पाए जाते हैं। टिबेटियन बियर से वो हिमालय में और डेडियापाड़ा फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं। लेपर्ड हेइना है, ठीक है, और ब्लू बुल है, ठीक है, जिसको हम नीलगाय भी कहते हैं, वुल्फ, ब्लैक बग, डियर है, वो भी पूरे इंडिया में पाए जाते हैं। अ वेराइटी ऑफ द बर्ड्स आर ऑल्सो सीन इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में भी कई सारे बर्ड्स है वो पाए जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ बर्ड्स के नेम दिए गए, तो आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना, जैसे कि डक है, ईगल है, पैरोट्स है, ठीक है, पिजन है, माइंथा है, ठीक है, ये सब कुछ वो बर्ड्स की प्रजाति है, ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स होते हैं ना वो, जिसमें पिकॉक की बात करें तो पिकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड भी है, जो मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड है वो भी कहा जाता है, अट्रैक्टिवनेस है उसका वो उसके पीछे है, ठीक है, उसके फीदर है। जो क्रेन्स है, ठीक है, 1.5 मीटर टॉल होते हैं, ठीक है, क्रेन्स। एंड जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं घोराड़, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो गुजरात में पाए जाते हैं, जिसको हैवीएस्ट बर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, घोराड़ है वो राजस्थान में पाए जाते हैं बच्चों, ओके। अब देखते हैं हम रूटी सेल डक, ठीक है, जिसको हम सुरखाब भी कहा जाते हैं, सुरखाब है वो हमारे रन ऑफ कच्छ में यानी कि गुजरात में पाए जाते हैं। अब बात करें तो केवला देव बर्ड से सेंचुरी है जो राजस्थान में आई हुई है, ठीक है, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेंचुरी है, लगभग 2.5 लाख जो बर्ड्स है ना वो वहीं पे पाए जाते हैं। नल सरोवर गुजरात की बात करें तो वहाँ पे माइग्रेटर्स बर्ड आते हैं, ठीक है, माइग्रेटर्स का मतलब होता है विदेशी बर्ड्स यहाँ आते हैं। फिश की बात करें तो फिश में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है कि मैकरेल, लॉबस्टर, बॉम्बे डक्स, ठीक है, तो पॉम्फ्रेट है, यह सब फिश की और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। हम मैप की बात करें तो मैप में भी हमें दिखाया गया कि कौन से एनिमल्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नेशनल सेंचुरी। नेशनल सेंचुरी क्या होता है, एक ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, जहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं ना वो अपने आप अपनी इच्छा से घूम सकते हैं, ऐसी चीज़ है, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने बनाई हुई है, उसका एक होम कह सकते हैं। तो काजीरंगा है आसाम में आया हुआ है, वहाँ पे कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे हमें हिप्पोपोटामस, वाइल्ड बफेलो और डियर देखने को मिलते हैं। उसी तरह से हमें यहाँ पे सारे के सारे जो नेशनल सेंचुरी हैं, ठीक है, नहीं उसके बारे में डेटा दिया गया है, तो आप एक बार उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब बात करते हैं प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से उसको क्यों कंजर्वेशन करना चाहिए, उसका ध्यान क्यों रखना चाहिए, क्योंकि देखो जिस तरह से हम उसका हैवियर यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि वो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी, और दूसरी जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो ऐसा देख ही नहीं पाएंगे कि ये कौन सी चीज़ है, ठीक है। शायद हम बात करें कि लायन हमने देखे हुए, ठीक है, देखे थे, ठीक है, तो वो कहेंगे कि लायन क्या होते, तो ऐसी चीज़ें ना हो फ्यूचर में, और ये जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट टाइम भी नेक्स्ट जनरेशन में चली रहे, इसके लिए हमें उसका ध्यान रखना चाहिए और उसका कंजर्वेशन भी करना चाहिए, ठीक है।
अब हम सीधा आते हैं एक्सरसाइज में। तो हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं कि हाउ इज द क्लाइमेट नियर द सी कोस्टल ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो सी कोस्टल एरिया में कौन सी होती है, तो मैंने आपको बताया था ठीक है कि जो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट वाला हमने डिस्कस किया था कि कौन सी जो बारिश होती है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। हाउ डू द थ्री सीजन अफेक्ट योर डेली रूटीन। ठीक है, तो आपके डेली रूटीन में थ्री सीजन कैसे अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आप विंटर की बात करें तो विंटर में आप देरी से उठना पसंद करते हो, समर में आप अर्लियर उठना पसंद करते हो, और मॉनसून में तो आपको ज़्यादा खाने खाने की इच्छा भी होती है। इस तरह से आप अपना डेली रूटीन देख सकते हो। वाई आर द रिवर ऑफ द साउथ इंडिया नॉट यूजफुल एज द वाटर वे। साउथ की जो नदियाँ है ना वो वाटर ले के लिए क्यों यूजफुल नहीं है, क्योंकि वो रिवर से वो उसका जो गैप है ना वो बहुत ही छोटा है, उसका जो फ्लो है वो बहुत ही कम है, इसीलिए उसका यूज़ हम वाटर वे के लिए नहीं कर सकते। वेयर आर लेक्स लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो लेक्स इंडिया में कहाँ लोकेटेड है, तो मैंने आपको एक जो लेक्स है उसका पूरा का पूरा टेबल पढ़ाया हुआ था। ठीक है, सांभर लेक है, वुलर लेक है, ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। आगे देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट आर फाउंड इन द इंडिया। ठीक है, इंडिया में कितने टाइप्स के जंगल मिलते हैं, तो हमने कुछ लगभग तीन टाइप्स के जंगल देखे थे। ठीक है, एवरग्रीन, डेंडीलियस, ये सब हमने वन बाय वन पढ़े हुए हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं बच्चों। द ब्लैंक्स क्लॉथिस आर प्रिफर्ड बाय द पीपल ऑफ द साउथर्न इंडिया टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हीट। तो यहाँ पे आंसर आएगा कॉटन क्लॉथिस है। दूसरा हम देखते हैं कि ब्लैंक इज मेड फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज। ठीक है, सुंदरी ट्रीज से क्या बनता है, तो हमने वो देखा था ना ट्रीज का यूज में कि सुंदरी ट्री से क्या बनता है, तो वो भी आपको ढूंढ के लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर थ्री, द रिवर ब्लैंक ऑफ द बिहार इज फ्लूडेड एवरी ईयर। ठीक है, तो रिवर ऑफ कोसी है। ठीक है, कोसी की जो कोसी रिवर है वहां पे फ्लूड आता है। ब्लैंक्स मिनरल आर यूज फॉर द नॉइज अब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो कौन सी ऐसी रिवर्स है, कौन सा ऐसा मिनरल्स है जो वो इसे उसको ऑब्जर्वेशन करता है, तो वो आपको कहाँ से मिलेगी, आपको मिल जाएगी वो जो हमने मिनरल्स का टेबल है ना उसमें ही वो आपको इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि नेशनल बर्ड पार्क इज सिचुएटेड इन राजस्थान। ठीक है, तो ऐसा एक नेचुरल जो बर्ड पार्क है जो राजस्थान में सिचुएटेड है वो आपको लिखना है, तो वो आपको अभी हमने पढ़ा है इस वीडियो में वहीं लिखना है। आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन क्या है, वो आपके लिए एकदम इजी है। अब आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा रॉन्ग है, कौन सा राइट है, और लास्ट में है हमारा मैचिंग। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मैप है ना उसमें आपको दिखाना है कि कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, एक दो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे गुजरात है, तो यहाँ पे हमें राजस्थान मिल जाएगा। तो आपका पहला कंप्लीट हो गया कि राजस्थान कहाँ पे है। ठीक है, नर्मदा रिवर है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये है हमारी नर्मदा रिवर। ओके, तो बाकी का आप खुद से ढूंढने की कोशिश करना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी मैंने बता दिया था। नेक्स्ट मैप में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट मैप में आपको मैप के थ्रू बताना है कि कहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पे स्कैन सिटी होती है, और कहाँ पे आपको मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो आप बच्चों ये यूनिट्स में से भी ढूंढ सकते हो कि एक्सट्रीम रेनफॉल है वो आसाम है, ठीक है, बिहार है, मध्य प्रदेश जो ऊपर वाले हैं रीजन है, ठीक है, वहाँ पे है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश गिरती है। स्कैन सिटी राजस्थान में जैसे इलाकों में गिरती है, और मॉडरेट यानी कि गुजरात है, तमिलनाडु है, केरला है, वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जो हमारा यूनिट नंबर 2 है ना वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।